तो अयान एक को लेकर एक कॉफी शॉप पर गया, पर एक कॉफी शॉप के अंदर जाने से मना कर रहा था। अयान ने उसे कुछ बोला नहीं, बल्कि उसे ट्रिक किया। उसने एक को पकड़कर किस करते हुए उसकी फोटो खींच ली। एक हड़बड़ा गया, उसे दूर धकेल कर बोलने लगा, क्या कर रहे हो तुम अयान? अयान बोलने लगा, अगर तुम मेरे साथ कॉफी शॉप के अंदर नहीं गए तो मैं ये फोटो पोस्ट कर दूंगा, मतलब सीधा सीधा ब्लैकमेल। एक बोलने लगा, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। पर अयान को थोड़ी फर्क पड़ता है, ठीक है तुम मत आओ, मैं अभी इसे पोस्ट कर देता हूँ। एक ने तुरंत उसे रोक दिया, ठीक है मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए रेडी हूँ, पर तुम्हें इस फोटो को डिलीट करना होगा। अयान ने भी ओके बोल दिया। दोनों कॉफी शॉप के अंदर आए। ओनर तो अयान को बहुत अच्छे से जानती है, उन्होंने बहुत ही वार्म वेलकम किया, पर एक को वो पहचान गई। आप वही है ना, उस दिन भी आए थे? एक अपना मुंह छुपाने लगा, नहीं आपने शायद किसी और को देखा था। ओनर बोलने लगी, नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप ही थे, आप एक गुड लुकिंग लड़के के साथ यहाँ आए थे। एक की चोरी पकड़ी गई। अयान भी उस पर हंसे जा रहा था, और एक तो अब मुंह छुपाने लायक भी नहीं बचा। ओनर ने दोनों को बोला, आप दोनों यहाँ कंफर्टेबल बैठिए। अयान ने तुरंत ओनर को एक का नाम बता दिया। ओनर बोलने लगे, आप दोनों यहाँ घर की तरह कंफर्टेबल रहिए। ओनर ने फिर एक अयान को उनके कॉफी सर्व कर दिए, पर अयान एक को बोलने लगा, एक मान क्यों नहीं रहे कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे? एक सफेद झूठ बोलने लगा, मैंने तुम्हारा पीछा नहीं किया, यहाँ के बारे में बहुत सारे अच्छे रिव्यूज देखे थे मैंने, इसीलिए कान को यहाँ आने के लिए बोला। और अब तुम बकवास बंद करो और अपना फोन दो मुझे, मैं फोटो डिलीट कर दूंगा। पर अयान ने साफ इनकार कर दिया। एक बहुत नाराज हो गया, देखो मुझे सर दर्द मत दो, तुम्हारे कहने पर मैं यहाँ तक आ गया तो तुम्हें भी अपने वर्ड रखने चाहिए। अयान बोलने लगा, ठीक है मैं फोटो डिलीट करता हूँ। और फोटो को डिलीट करने से पहले उसने एक को सेंड कर दिया। एक फोटो देखते ही फिर अयान पर चिल्लाने लगा, मैंने तुम्हें फोटो डिलीट करने के लिए बोला तो तुमने मुझे यह फोटो क्यों भेजा है? अयान बोलने लगा, मैंने तो अपने फोन से डिलीट कर दिया, पर तुम्हारे फोन का तुम डिसीजन लो कि तुम इसे डिलीट करते हो या नहीं। एक बोलने लगा, मैं डिलीट कर दूंगा। अब सच बताओ तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? अयान बोलने लगा, एक मुझे मालूम है तुमने टीचर से बात की ताकि वो मुझे इस तरह से पनिश ना करे। एक बहाना बनाने लगा, मैं हमेशा टीचर से बात करता हूँ, तुम इसे ओवरथिंकिंग कर रहे हो। अयान बोलने लगा, एक तुमने मेरी हेल्प क्यों की ये तो मैं नहीं जानता, पर थैंक्स। एक अयान पर हंसने लगा, तुम्हारे वोकैबुलरी में थैंक्स शब्द भी एग्जिस्ट करता है, ये नहीं मालूम था। अयान ने जवाब दिया, मेरे वोकैबुलरी में और भी शब्द एग्जिस्ट करते हैं, ट्राई करके देखो और भी पता चल जाएगा तुम्हें। एक बहुत इरिटेट हो गया, अयान अभी मुझे वापस लेकर चलो, मुझे स्कूल में काम है। पर अयान को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, उसने ओनर को एक और कॉफी के लिए आवाज दिया। एक गुस्से में बोलने लगा, अयान तुम बहरे हो क्या, मैंने तुम्हें वापस चलने के लिए बोला। पर अयान तो बड़े आराम से कॉफी पीने में लगा हुआ था, एक भी बेचारा कॉफी पीने लगा। शाम को एक ने अपने कपड़े पसारे और बालकनी में हवा खाने लगा। उसके फोन में कुछ मैसेज आया, ये अयान का मैसेज था, उसने एक को बताया था कि जूडो क्लास के लिए वो दोनों पेयर हैं। एक ने भी तुरंत हाँ में मैसेज भेज दिया, पर पता नहीं क्यों उसे अंदर से बहुत खुशी महसूस हो रही थी। अगले दिन स्कूल में एक स्टूडेंट छुपकर फोन यूज कर रहा था, कॉल उसकी मॉम का था, लड़का मॉम को कंप्यूटर चलाना सिखा रहा था। पर एक कान और वाट की नजर भी उस पर पड़ गई। कान बोलने लगा, देखो इसे स्कूल में फोन यूज करना मना किया गया है फिर भी वो यूज कर रहा है। कान फिर उस लड़के से फोन छीनने के लिए जाने वाला था, पर एक ने उसे रोक दिया। कान बोलने लगा, पर एक देखो वो स्कूल के रूल्स को ब्रेक कर रहा है। एक उसे समझाने लगा, गाइज उसे बात करने दो, तुमने सुना नहीं, उसकी बातों से लग रहा है कि वो शायद किसी अडल्ट को कंप्यूटर चलाना सिखा रहे हैं और हो सकता है ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। कान भी समझ गया, हाँ गाइस अब मुझे गिल्टी फील हो रहा है, पर एक तुम आज बहुत वियर्ड लग रहे हो। वार्ड भी हाँ में हाँ मिलाने लगा, कान मैं तुमसे एग्री करता हूँ, पर एक मुझे तुम्हारा ये बिहेवियर पसंद आया। वो लड़का भी उठकर वहां से जाने लगा, पर सामने एक कान और वार्ड को देखकर वो घबरा गया। वो तुरंत अपनी सफाई देने लगा, मेरी मॉम को कंप्यूटर चलाना नहीं आता पर उन्हें अर्जेंट यूज करना था और घर में कोई नहीं है इसीलिए मैं उन्हें सिखा रहा था। एक बोलने लगा, कोई बात नहीं, पर अगली बार से अगर तुम्हें इस तरह से अर्जेंट बात करनी हो तो सबसे पहले SWD या फिर प्रिफेक्ट क्लब से परमिशन मांग लेना। लड़का वहां से चला गया, पर कान और वाट को एक का बिहेवियर हजम नहीं हो रहा था, दोनों से वियर्ड कहने लगे, पर एक का ये बिहेवियर उन्हें पसंद भी आया। वाट फिर कान से कहने लगा, कान तुम जूडो क्लास में आज मेरे पेयर बनोगे। कान ने भी हाँ बोल दिया, हाँ वाट मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें उतना हर्ट नहीं करूंगा। वाट फिर एक से सवाल करने लगा, एक तुम्हारा प्यार कौन है? पर एक के बजाय कान बोलने लगा, और कौन होगा, अयान ही है, इसने जूडो टीचर से प्रॉमिस किया है कि वो अयान को ट्रेन करेगा। एक को तो मालूम ही है
कि उसका पेयर आयान ही है, पर वो अपने दोस्तों को डायरेक्ट थोड़ी बता सकता है। वो भी आयान की बुराई करने की कोशिश करने लगा। हाँ गाइस, वो एकदम बर्डन है। मैं जितने भी टेक्निक्स उसे सिखाता हूँ वो सीख ही नहीं पाता। पर कान और वाट को एक पर भरोसा नहीं हो रहा था। एक ने तुरंत दोनों को बोला, गाइस तुम दोनों आगे जाओ, मुझे टीचर को कुछ सबमिट करने हैं। एक फिर ड्रिंक पे करने आया, पर उसे आयान याद आ गया, उसके मासूमियत, उसके नोटी वाली हरकत और वो फोटो जिसे आयान ने डिलीट करने से पहले एक को भेजा था। एक फोन में उसी फोटो को देख देख कर स्माइल किया जा रहा था। पर अचानक से आयान ने उसके कान में बोला, एक तुमने मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। एक अचानक से हड़बड़ा गया, उसके हाथ से फोन छूटकर गिरने वाला था, पर आयान ने उसे संभाल लिया। लेकिन फोन स्क्रीन देखकर आयान बहुत सरप्राइज हो गया। वो एक को देखने लगा। एक के पास भी बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी। आयान बोलने लगा, तुमने तो कहा था कि तुम इसे डिलीट कर दोगे। एक तुरंत बोलने लगा, मैं डिलीट कर दूंगा, पर आयान बस स्माइल किया जा रहा था। एक सवाल करने लगा, तुम स्माइल क्यों कर रहे हो और जूडो क्लास में क्यों नहीं गए तुम। आयान बोलने लगा, तुम भूल गए, जूडो क्लास में मेरे पेयर हो तुम, और जूडो अकेले का गेम नहीं है, ये तो तुम्हें मालूम ही है। एक बोलने लगा, तुम्हें इस तरह से इतना ज्यादा एक्ट करने को किसने बोला, जैसे कि कोई तुम्हारा पेयर नहीं बनना चाहता हो। पर आयान ने उल्टा ही जवाब दे दिया, एक तो तुम फोटो डिलीट नहीं करोगे। एक तुरंत बोलने लगा, अभी डिलीट करता हूँ। पर आयान भी नहीं चाहता था कि एक फोटो को डिलीट कर दे, उसने एक को रोक दिया। एक बोलने लगा, अब क्या हुआ। आयान उसे कहने लगा, एक अगर तुम्हें फोटो डिलीट करने हो तो कहीं और करना, मेरे सामने नहीं प्लीज। एक को भी बात अजीब लगी, पर वो आयान के बात मान गया, उसने वहाँ फोटो डिलीट नहीं किया। पर आयान को बोला, ठीक है मैं डिलीट कर दूंगा। फिर वो कोल्ड ड्रिंक लेकर वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद उनका जूडो क्लास स्टार्ट हुआ। टीचर के स्ट्रिक्ट कमांड के साथ सब प्रैक्टिस में लगे हुए थे, पर इसी बीच मौके का फायदा उठाकर किसी ने आयान का लॉकर खोला और उसके अंकल डीका की डायरी चुरा ली। क्लास के बाद सब लॉकर रूम में आए, आयान भी अपना लॉकर खोलकर देखने लगा तो उसे बात अजीब लगी। उसने अपना बैग लॉकर पूरी तरह चेक किया, पर डायरी नहीं मिली और उसका सीधा शक एक पर गया। एक के लॉकर रूम में आते ही आयान उस पर चिल्लाने लगा, मेरा नोटबुक तुमने लिया है ना, चलो वापस कर दो मुझे। एक बोलने लगा, आयान मैंने तुम्हारी नोटबुक नहीं ली है। आयान बहुत गुस्से में था, एक अगर तुमने मेरी नोटबुक नहीं ली तो किसने ली, और अगर तुमने नोटबुक वापस नहीं किया तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम्हारे स्कूल को अभिशाप क्यों मिला। सब सुनो, तुम्हारा स्कूल बेकार है। पर एक बहुत नाराज हो गया, आयान मेरे स्कूल के बारे में बुरा बोलना बंद करो, और आयान को उसने एक पंच मारा। आयान ने भी एक को पंच वापस कर दिया और लगभग दोनों एक दूसरे की जान लेने पर उतर आए, पर सबने तुरंत उन्हें पकड़ कर रोक लिया। टीचर भी आवाज सुनकर वहां आ गया, उन्हें डांट कर शांत कर दिया। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद टीचर तो एक और आयान पर बरस पड़े, तुम दोनों ने जो हरकत की है मुझे प्रिंसिपल को रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। एक रिक्वेस्ट करने लगा, सर आप हमें जो सजा देना चाहते हो दे सकते हो, पर प्लीज प्रिंसिपल को रिपोर्ट मत कीजिए, नहीं तो मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगा। टीचर भी थोड़े नर्म हो गए, ये बात तुम दोनों को पंच मारने से पहले सोचना चाहिए था, पर फिर भी एक, जस्ट बिकॉज तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो इसीलिए मैं उन्हें रिपोर्ट नहीं करूंगा। एक खुश हो गया, थैंक यू सो मच सर, पर अगर आप मुझसे कुछ काम करवाना चाहते हो तो प्लीज बताइएगा, मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। टीचर बोलने लगे, सिर्फ तुम नहीं, तुम दोनों, समझ गए। टीचर वहां से चले गए, एक और आयान भी बाहर आ गए, कान वाट उन्हीं का वेट कर रहे थे। वो दोनों एक और आयान से सवाल करने लगे, क्या हुआ गाइस, ये सब मैटर क्या था। आयान गुस्से में बोलने लगा, अपने दोस्त से पूछो, और वो वहां से चला गया। वाट फिर एक से यही सवाल करने लगा, पर एक ने नथिंग में आंसर किया। कान बोलने लगा, एक तुम नॉर्मली इससे भी ज्यादा काल्म होते हो, पर जब आयान की बात आती है तो तुम बहुत गर्म हो जाते हो, क्या बात है। एक ने फिर नथिंग में आंसर किया। कान को भी गुस्सा आ गया, एक नथिंग माई फूट, सही सही बताओ, पर एक भी चिल्लाने लगा, मैंने कहा ना कोई बात नहीं है, मतलब कोई बात नहीं है। वाट तुरंत दोनों को शांत करने लगा, कान बस करो, एक साथ अभी ये सब बताने के मूड में नहीं है, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। पर एक तुरंत वहां से चला गया। एक वहां से सीधे फिर SWD में आ गया, वहां टीचर सानी अकेले थी। एक उनसे टीचर चाड़ोक के बारे में पूछने लगा। टीचर सानी ने उसे बताया, एक टीचर चाड़ोक एक मीटिंग के लिए बैंकॉक गए हैं, उन्होंने मुझे बोला है कि अगर कुछ अर्जेंट बात होती है तो मैं उन्हें कॉल करूं, तुम्हें कोई अर्जेंट बात करनी है उनसे। एक ने ना में आंसर किया और टीचर सानी को थैंक यू बोला, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आयान की नोटबुक किसने ली, क्योंकि टीचर चाड़ोक भी यहाँ नहीं है तो ये उनका काम कैसे हो सकता है। इधर क्लास में सब बहुत हैरान थे, सब आयान के नोटबुक की ही बात कर रहे थे, उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि आयान की नोटबुक किसने ली। पर कान बोलने लगा, गाइज अगर वो अननोन पर्सन कोई पर्सन ही रहा तो ठीक है, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं ये कर्ज का कहर तो नहीं।
ये सुनते ही पूरा क्लास सन्नाटे में चला गया। नमो बोलने लगा, कान तुम्हारी बातों से मुझे गूसबम्स आ रहे हैं। तोपो बोलने लगा, अयान हमेशा उस डायरी को अपने साथ कैरी करता है, तो उसे खोने पर अयान को दुख होना जाहिर सी बात है। नमो तोपो से कहने लगा, तोपो ऐसा लग रहा है तुम्हें अयान की फिक्र है। तभी एक भी क्लास में आ गया। वार्ड तुरंत सवाल करने लगा, एक कहाँ गए थे तुम? पर एक ने अजीब सा जवाब दिया, कहीं नहीं। तोपो भी एक से कहने लगा, जब से तुम्हारी उसके साथ फाइट हुई है उस टाइम से उसने क्लास अटेंड नहीं किया है। एक भी थोड़ा वरीड हो गया। तभी टीचर वारी भी क्लास में आ गई। सारे स्टूडेंट चुपचाप बैठ गए। टीचर वारी बोलने लगी, आज आप लोगों के क्विज होंगे। मैं आप लोगों को 15 मिनट नोट्स पढ़ने का टाइम दे रही हूँ। पर उन्होंने देखा अयान क्लास से एबसेंट था। वो पूछने लगी, अयान कहाँ है? पर किसी भी स्टूडेंट के पास कोई जवाब नहीं था। टीचर वारी ने सबको रिविजन कंटिन्यू करने के लिए बोला, पर एक अयान को बहुत मिस कर रहा था। उसे अयान की फिक्र हो रही थी। क्लास के बाद उसने अयान को ढूंढना शुरू किया और फिर उसे अयान सीढ़ियों पर लेटा हुआ दिखा। वो तुरंत उसके पास जाने वाला था, पर उससे पहले ही थोपू अयान के पास आ गया। एक वहीं रुक गया। थोपू अयान से कहने लगा, अयान क्या कर रहे हो तुम? यहाँ सो रहे हो? अयान बोलने लगा, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। थोपू उसे बताने लगा, अयान अभी अभी हमारा क्विज हुआ, और अगर दोपहर के क्लास में भी क्विज हुआ तो तुम उसे मिस कर दोगे। पर अयान को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। थोपू फिर बोलने लगा, अयान मैं तुम्हें क्लास ले जाने आया हूँ। तुम्हें मालूम है ना, अगर तुम क्लास में नहीं आए तो पूरे क्लास को प्रॉब्लम में डाल दोगे। अयान बोलने लगा, हाँ मुझे मालूम है, पर मुझे थोड़ी देर और सोने दो। अयान फिर से सो गया। थोपू भी वहां से चला गया। एक भी दूर खड़े होकर उन्हें देख रहा था, पर पता नहीं क्यों वो अयान के पास नहीं आया, वहीं से वापस चला गया। थोपू भी क्लास की तरफ आने लगा, पर उसके सामने कान आ गया। कहाँ थे तुम थोपू? थोपू बताने लगा, मैं अयान को क्लास के लिए बुलाने गया था। मैं नहीं चाहता कि वो दूसरा टेस्ट मिस कर दे। और तुम बताओ क्या मैटर है? कान बोलने लगा, कुछ भी नहीं, मैं बस तुम्हें ही देखने आया था। मुझे डर था कि कहीं अयान तुम्हें भी उस गैंग को ज्वाइन करने के लिए तो नहीं बोल रहा। फिर उसने थोपू का हाथ पकड़ा और क्लास चलने के लिए बोलने लगा। थोपू को भी ये बात अच्छी लगी, पर 2 कदम चलते ही कान की नज़र सामने खड़े लड़कों पर गई जो उन्हें देख रहे थे। कान भी थोड़ा नर्वस हो गया और उसने थोपू का हाथ छोड़ दिया, पर साथ ही उसे थोपू के लिए बुरा भी फील हुआ कि वो उसका हाथ पब्लिकली नहीं थाम पाया। थोपू नॉर्मल बिहेव करने लगा, इट्स ऑल राइट, चलो क्लास। फिर वो आगे चला गया, पर कान बहुत गिल्टी फील कर रहा था। दूसरी तरफ एक सिंगतो को खाना खिलाने लगा, पर सिंगतो को भी आज एक नहीं भाया। उसने एक का खिलाया खाना खाया भी नहीं और वहां से भाग गया। एक भी नाराज हो गया और वो वहां से जाने के लिए उठा तो देखा पीछे अयान खड़ा था। एक फिर अयान से कहने लगा, अयान मैंने तुम्हारी नोटबुक नहीं ली। हाँ मुझे वो चाहिए था, पर इस बार मैंने नहीं लिया है। अयान बोलने लगा, मुझे मालूम है तुम इंटायर टाइम मेरे साथ ही थे। मैं बहुत गुस्से में था उस टाइम, इसीलिए ये बात ध्यान नहीं आया। एक अयान को टीज करने लगा, तो ये सॉरी के तौर पर मैं समझ लूं? अयान मुंह फेरने लगा, तुम्हें जैसा लग रहा है। फिर वो वहां से जाने लगा, पर एक ने उसे रोक दिया। अयान उस टाइम तुम स्कूल कर्स को बताने की धमकी दे रहे थे मुझे, तुम्हारे कहने का मतलब क्या था? अयान सवाल करने लगा, एक तुम्हारे लिए स्टूडेंट प्रीफेक्ट का टाइटल बहुत मायने रखता है, राइट? एक ने हाँ में आंसर किया, हाँ अयान, इससे मैं अपने स्कूल को हेल्प कर सकता हूँ। अयान फिर बोलने लगा, और मुझे लगता है कि तुम बेस्ट बिहेवियर का कोटा पाना चाहते हो ताकि तुम्हें बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिले। एक ने फिर हाँ में आंसर किया। अयान बोलने लगा, लेकिन एक मेरे ओपिनियन में ये सब चीजें तुम्हें सूट नहीं करती। एक नाराज हो गया, क्यों? तुम्हारे ओपिनियन के हिसाब से मैं इतना कमजोर हूँ? अयान फिर बोलने लगा, एक तुम ऐसे पालतू की तरह क्यों एक्ट करते हो, जस्ट बिकॉज दूसरों से रिवॉर्ड पाने के लिए? एक चिल्लाने लगा, तो क्या बुराई है इसमें? मैं भी और सबकी तरह वो सब कुछ पाना चाहता हूँ जो मुझे चाहिए। तुम्हारे जैसे प्रिविलेज के साथ पैदा हुए इंसान ये नहीं समझ सकते, क्योंकि तुम लोग जब चाहो जहाँ चाहो अपना ट्रांसफर करवा सकते हो। फिर वो गुस्से में वहां से जाने लगा, पर सामने गार्डन का नल अचानक खुल गया और पानी का फव्वारा सीधे एक के ऊपर गिरने लगा। एक पूरी तरह से भीग गया। गार्ड अंकल ने तुरंत आकर नल को ठीक कर दिया और एक से माफी मांगने लगा, सॉरी एक, आप ठीक हैं? एक बहुत नाराज हो गया, सर मैं बिल्कुल ओके नहीं हूँ, पूरी तरह से भीग गया हूँ। पर अयान को बहुत हंसी आ रही थी। एक गुस्से में वहां से चला गया और अयान भी उसके पीछे पीछे चल दिया। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो गया। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।